हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को एमएक्स कंप्यूटर में। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ गए एक ऐसा वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि अगर हमें एमएस वर्ड के अंदर अगर वन क्लिक के अंदर अगर हमें 100 या 500 या 10 आईडी कार्ड बनाना हो तो दोस्तों कैसे बनाएंगे। कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे, जैसे ही हम एक क्लिक करेंगे ना तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक बहुत सारे आईडी कार्ड बन जाएंगे। तो दोस्तों वो कैसे बनाएंगे, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे और सिंपल हम क्या करेंगे, यहां से हम एमएस वर्ड को पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम वर्ड पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएगा ऑप्शन, हम क्या करेंगे यहां से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से आपको क्या करना है कि आपको एक्सेल के अंदर लड़का का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स और मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये सारी चीज आपको क्या करना है कि आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है कि इस फाइल को आपको सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप जाएंगे फाइल के अंदर और आपको यहां से सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। आप क्या कर लेंगे, जहां पे भी आप सेव करना चाहते हैं सिंपल उसके अंदर जाएंगे। तो सिंपल हम आईडी कार्ड फाइल के अंदर सेव करेंगे और सिंपल क्या कर लेंगे, इस सेव पे क्लिक कर लेंगे। दोस्तों इतना कंप्लीट हो जाने के बाद उसके बाद हम क्या कर लेंगे, जाएंगे हम एमएस वर्ड के अंदर। इसके अंदर आने के बाद हम क्या कर लेंगे, जाएंगे हम इंसर्ट के अंदर। आपको ऊपर में मिल जाएगा एक इंसर्ट का ऑप्शन, आप क्या करेंगे सिंपल इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। जब टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, सिंपल हम दोस्तों यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से 10 हम टेबल ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम 10 आईडी कार्ड बनाएंगे। दोस्तों जब आप 10 आईडी कार्ड बनाना सीख जाएंगे तो दोस्तों आप जितना चाहे उतना आईडी कार्ड बहुत ही आसान से बना सकते हैं। दोस्तों इतना कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि इस टेबल को सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों सिलेक्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो आपका टेबल है वो टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो दोस्तों क्या करेंगे इसको ऐसे पकड़कर ड्रैग करेंगे तो ये टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, हम जाएंगे सबसे ऊपर में लेआउट आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस लेआउट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे साइज देने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए सिंपल हम क्या कर लेंगे, इसमें हम साइज देंगे तो सिंपल हम ऊपर में कर लेते हैं 2 और नीचे में कर लेते हैं हम 6.3.6 कर लेते हैं। फिर एंटर प्रेस करेंगे तो हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमारा आईडी कार्ड का जो साइज है वो कंप्लीट यहां पे तैयार हो जाएगा, 10 आईडी कार्ड का साइज। दोस्तों यहां पे जो हम आईडी कार्ड प्रिंट करेंगे वो हमें A4 के अंदर प्रिंट करते हैं। तो दोस्तों हम 10 आईडी कार्ड इसलिए बना रहे हैं कि जो कि हमारा आईडी कार्ड 10 जो आईडी कार्ड है ना वो A4 में ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाए और सेट हो जाए। तो दोस्तों यहां पे हम 10 आईडी कार्ड बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों देखेंगे ये दो हमारा आईडी कार्ड है वो दूसरे पेज के अंदर जा रहा है। तो दोस्तों यहां पे हम पेज सेटअप करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल हम जाते हैं पेज लेआउट के अंदर और पेज लेआउट के अंदर जाने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन। आप क्या करेंगे यहाँ से नैरो मार्जिन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही नैरो मार्जिन पे क्लिक करेंगे ना तो दोस्तों क्या होगा कि आपका जो 10 आईडी कार्ड है ना वो यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे सेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे अभी सेट नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल आपको यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन है, सिंपल हम क्या कर लेते हैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं और फिर हम क्या कर लेते हैं नीचे भी हम थोड़ा सा मार्जिन और कम कर लेते हैं ताकि हमें जगह ओवर मिले। उसके बाद से इतना कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम एक आईडी कार्ड के अंदर डिजाइन क्रिएट करेंगे और जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो सारे जितने भी हमारे आईडी कार्ड के साइज है सब पे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम एक आईडी कार्ड डिजाइन करते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक शेप का ऑप्शन, देखिए और इस शेप पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम एक रेक्टेंगल लेंगे और इस रेक्टेंगल को क्या करेंगे ऐसे एक रेक्टेंगल को ड्रैग कर लेंगे। देखिए ऐसे रेक्टेंगल ड्रैग करेंगे और इसका कलर हम दोस्तों क्या करेंगे, आएंगे फॉर्मेट के अंदर और यहाँ से इसका कलर कुछ ऐसा कर लेते हैं और इसका आउटलाइन हम यहाँ से नो कर लेते हैं। और दोस्तों इसके अंदर हम लिखेंगे तो लिखने के लिए सिंपल हम क्या यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एड टेक्स्ट का ऑप्शन। सिंपल हम क्या करेंगे इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल हम क्या कर लेते हैं यहाँ से हम एमएक्स कंप्यूटर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम एमएक्स कंप्यूटर और एकेडमी कर लेते हैं। देखिए यहाँ से एकेडमी और एकेडमी करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे कि इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंपल हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं होम के अंदर और इसको क्या कर लेते हैं यहाँ से बड़ा कर लेते हैं
और फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। और इतना कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, जाएंगे फिर इंसर्ट के अंदर और यहाँ से क्या कर लेंगे, फिर हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और इस रेक्टेंगल को क्या करेंगे, ऐसे एक रेक्टेंगल को और ड्रैग करेंगे। देखिए ऐसे रेक्टेंगल को और ड्रैग करेंगे और इसका कलर हम दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा सा ये कलर, और इसका आउटलाइन ना हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, नो आउटलाइन कर लेते हैं। फिर दोस्तों इसके अंदर हमें एड्रेस लिखना है, तो सिंपल इस पर राइट क्लिक करेंगे और एड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और सिंपल क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम एड्रेस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम एड्रेस लिख लेते हैं, सिंपल हम यहाँ से एड्रेस, और जो भी आपका एड्रेस होगा आप यहाँ से लिख लेंगे। तो सिंपल हमारा एड्रेस ये है, तो हम यहाँ से एड्रेस लिख लेते हैं। और लिखने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, हम यहाँ पे पिन कोड भी लिख लेते हैं और फिर क्या करेंगे कि इस एड्रेस को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे होम के अंदर और यहाँ से क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। देखिए और इसका कलर हम यहाँ से रेड कर लेते हैं ताकि हमें देखने में सुंदर लगे, और थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। और इतना कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम आईडी कार्ड लिखेंगे। तो फिर क्या करेंगे, जाएंगे इंसर्ट के अंदर और फिर यहाँ से जाएंगे रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल लेने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ से एक ऐसे ड्रैग कर लेंगे। और करने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं और इसका कलर दोस्तों हम यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे लाते हैं, और इसका कलर हम दोस्तों यहाँ से क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रेड कर लेते हैं, और इसका आउटलाइन नाम क्या करते हैं, यहाँ से नो आउटलाइन कर लेते हैं। और दोस्तों इसके अंदर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आईडी कार्ड लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे आईडी कार्ड लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे होम के अंदर और यहाँ से क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और थोड़ा सा और छोटा करते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा लेते हैं और इधर से क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए और इतना करने के बाद दोस्तों इसको यहाँ पे लाएंगे और इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये हमें देखने में सुंदर लगे। और उसके बाद से दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ पे लोगो लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हमें एक लोगो लगाना है, तो लोगो लगाने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर और यहाँ पे आपको एक पिक्चर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और सिंपल आप क्या करेंगे, जहाँ पे भी आप रखेंगे वहां पे जाएंगे। तो सिंपल हम डेस्कटॉप पे रखें तो डेस्कटॉप पे आएंगे और सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, इस लोगो पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा लोगो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, जाएंगे हम रेप टेक्स्ट के अंदर और यहाँ से हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। फिर क्या करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ से और थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पे ले आकर एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा और छोटा करते हैं और इसको थोड़ा सा हम डिजाइन कर लेते हैं, आउटलाइन लगा लेते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसका बॉर्डर थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं और इसका कलर जो आउटलाइन का कलर हम यहाँ से व्हाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखेंगे यह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फिर क्या करेंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ से शेप के अंदर जाएंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे कि रेक्टेंगल ले लेंगे और इस रेक्टेंगल को ऐसे ड्रैग कर लेंगे ताकि इसके अंदर हम फोटो लगा सके। फिर क्या करेंगे, हम जाएंगे शेप फिल के अंदर और यहाँ से क्या कर लेंगे, नो आउटलाइन कलर कर लेंगे और यहाँ से आउटलाइन कलर यहाँ से हम ब्लैक करेंगे और यहाँ से शेप फिल कलर नो फिल कर देंगे। तो दोस्तों देखेंगे इतना कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जो नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और कोर्स वगैरह है वो सारे चीज लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, सिंपल हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों देखेंगे हम यहाँ पे एंटर प्रेस किए ना, तो दोस्तों ये जो हमारा टेक्स्ट का जो स्टाइल था वो नीचे आ रहा है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड में एंड बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद हम जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ना, तो दोस्तों देखेंगे जो हमारा कर्सर है ना वो नीचे आ रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेम लिख लेते हैं और नेम लिखने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फादर्स नेम कर लेते हैं और यहाँ पे हम फादर्स नेम कर लेते हैं और करने के बाद फिर हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ कर लेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे और फिर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम कोर्स कर लेते हैं। देखिए यहाँ से कोर्स करेंगे और फिर क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से हम मोबाइल नंबर कर लेते हैं, फिर एंटर प्रेस करेंगे और फिर यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एड्रेस कर लेते हैं। देखिए यहाँ से एड्रेस कर लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जो लाइन है ना, जो ये हमारा सेमी कॉलम है, इसको क्या करेंगे कि हम एडजस्ट करेंगे। तो सिंपल हम थोड़ा सा यहाँ पे लाते हैं और फिर इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये हमें देखने में सुंदर लगे। और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लाते हैं और फिर इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाते हैं, मतलब सबको लाइन कर लेंगे ताकि ये हमें देखने में सुंदर लगे। देखिए आप अपने से बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे ताकि देखने में सुंदर लगे। देखिए इतना कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये अच्छे लगे देखने में। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद हमें क्या करना है
ये जो डिजाइन यहाँ पे जो कंप्लीट हुआ है ना, ये सारे जो हमारा साइज है सब में दिखाई दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे मेलिंग के अंदर, आपको ऊपर में मिल जाएगा मेलिंग। दोस्तों यहाँ पे हम तो एक डिजाइन आपको सबसे पहले हम किए हुए हैं, अब हम चाहते हैं कि ये डिजाइन सारे जो हमारा आईडी कार्ड है सारे पे एक ही बार में जनरेट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे मेलिंग के अंदर और उसके बाद से हम जाएंगे यहाँ पे, आपको मिल जाएगा सिंपल स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन। देखिए यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन मिल जाएगा, आप क्या करेंगे कि इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे लेवल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस लेवल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लेवल पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ओके करना है और फिर ओके करना है। जैसे ही ओके ओके करेंगे तो वो सारे जो डिजाइन थे वो आपका हट जाएंगे, आपको यहाँ पे डरना नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ से कंट्रोल जेड प्रेस करना है, तो सिंपल जो आपका डिजाइन था वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आना है अपडेट लेवल पे। जैसे ही आप अपडेट लेवल पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको इमेजिंग देखने को मिलेगा। देखिए जैसे ही हम अपडेट लेवल पे क्लिक किए तो जितने भी हमारे डिजाइन थे सारे डिजाइन देखेंगे, सारे जो साइज थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद से दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नेम और फादर्स नेम जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है इसके अंदर हमको सारे को अपडेट करना है, क्योंकि हम एक्सेल के अंदर उस डाटा को लिखे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक एक क्लिक करे और सब पे आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, फिर से जाएंगे हम मेलिंग के अंदर। देखिए फिर से हम आ गए मेलिंग के अंदर, आपको यहाँ पे मेलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको क्या करना है कि आना है इस वाले ऑप्शन पे। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन लिखा है, इसके अंदर आना है। देखिए यहाँ पे आना है और इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, दो नंबर यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। आपको क्या करना है कि इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहां पे भी आप एक्सेल फाइल को आप सेव कर रखे होंगे, आपको क्या करना है कि वहां पे जाना है। तो सिंपल हम डेस्कटॉप पे रखे थे, सिंपल हम इस पे क्लिक करेंगे और उस फाइल पे क्लिक करेंगे और यहां से ओपन कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां से ओके करेंगे। दोस्तों इतना हमारा कंप्लीट हो जाने के बाद उसके बाद से हम जाएंगे इंसर्ट मर्ज के पास। देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन, आपको क्या करना है कि इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो दोस्तों देखेंगे नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, ये सारे चीज आपको दिखाई देने लगेगा। उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे भी नेम लिखा हुआ है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, नेम के पास आएंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, नेम पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे फादर्स नेम लिखा हुआ है तो फादर्स नेम के बगल में आएंगे और यहाँ से हम फादर्स नेम पे क्लिक कर देंगे। छोटा सा ही आपको काम करना है, उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद से आप डेट ऑफ बर्थ के पास आएंगे और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कर लेंगे। फिर क्या करना है, आपको कोर्स के पास आना है और कोर्स के पास आपको इस कोर्स को क्लिक कर लेना है। फिर मोबाइल नंबर के पास आना है और इस मोबाइल नंबर को क्लिक कर लेना है और फिर एड्रेस के पास आना है और इस एड्रेस को क्लिक कर देना है। दोस्तों इतना कंप्लीट हो जाने के बाद उसके बाद से दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक अपडेट लेवल का ऑप्शन। फिर क्या करना है कि इस अपडेट लेवल पे क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट लेवल पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखेंगे ये सारे चीज जो भी हम यहाँ इसके अंदर लाए थे वो सारे चीज यहाँ पे आ चुका है, फिर सारे यहाँ पे आईडी कार्ड में आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको छोटा सा काम करना है जो कि आपको फिनिश करना है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आपको फिनिश मर्ज का ऑप्शन लिखा हुआ है। सिंपल आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ऐसा ऑप्शन आएगा, सिंपल आपको एडिट पे क्लिक कर देना है पहले वाले ऑप्शन पे। तो सिंपल हम जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ना तो दोस्तों यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है कि ऑल पे क्लिक करना है। सिंपल आपको ऑल पे क्लिक करना है और उसके बाद से आपको क्या करना है कि ओके पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपल हम जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे ना तो दोस्तों देखेंगे जो भी हमारा डाटा था ना, दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट तैयार हो चुका है। देखिए यहाँ पे आकाश लिखा हुआ है और डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है और फादर्स नेम लिखा हुआ है, इधर रानी लिखा हुआ है, रानी का जो भी फादर्स का नाम है वो चीज लिखा हुआ है। मतलब ऑटोमेटिक दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे आईडी कार्ड कंप्लीट तैयार हो चुका है। दोस्तों हम एक्सेल के अंदर आएंगे तो जो हमारा फर्स्ट था वो यहाँ पे आकाश और सोहित सिंह, सेम हम एक्सेल के अंदर जाएंगे तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आकाश और सोहित सिंह जो भी इनका डाटा होगा वो इसके अंदर कंप्लीट यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों उसके बाद से क्या करना है ना, आपको इसके अंदर पिक्चर लगाना है। देखिए इस जो आईडी कार्ड है इसके अंदर पिक्चर लगाना है। तो सिंपल क्या करेंगे कि इस रेंगल पे क्लिक करेंगे
और जाएंगे हम इस डिजाइन के अंदर, डिजाइन के अंदर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे फॉर्मेट के अंदर और आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेव फिल कलर और इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको पिक्चर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से फॉर्म और फाइल पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी पिक्चर को रखे होंगे सिंपल वहां पे जाएंगे और उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर ऑटोमेटिक आकर यहाँ पे सेट हो जाएगा। अगर चाहते हैं इसके अंदर लगाना पिक्चर को तो सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, जाएंगे फाइल सेव फिल के अंदर और फिर क्या करेंगे, जाएंगे पिक्चर के अंदर और सिंपल हम यहाँ से फ्रॉम फाइल के अंदर जाएंगे और ये पिक्चर हमें लगाना है, इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखेंगे ऑटोमेटिक इसके अंदर आकर एडजस्ट हो जा रहा है। फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर लगा लेते हैं, तो सिंपल क्या करते हैं आते हैं इसके अंदर और इस पिक्चर को क्या करते हैं यहाँ पे इस पिक्चर को लगा लेते हैं और फिर क्या करते हैं इसके अंदर हम भी लगा लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और पिक्चर के अंदर आएंगे और फिर इसके अंदर आएंगे और फिर क्या करेंगे यहाँ से इस पिक्चर को लगा लेंगे। तो दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे सारे पिक्चर को लगा लेंगे। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम आपको ऑटोमेटिक कैसे आईडी कार्ड बनाते हैं, कैसे हम एक डिजाइन बनाते हैं और कैसे हम 1000 या 500 आईडी कार्ड एक बार में हम जनरेट करेंगे कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।